Okay, so good morning all of you. Now we'll start with nested if statement. पिछले lecture में हमने if statement, if then else, if else statement हमने देखा हुआ है. अभी next जो part है वो है nested if statement. So if statement में ही अगर हमें कुछ और कंडीशंस हमें चेक करना है तो वो केस में ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ये हम यूज कर सकते हैं. कि नेस्टेड का मीनिंग ये है कि अगर एक इफ स्टेटमेंट है तो इफ स्टेटमेंट में और कुछ हमें इफ स्टेटमेंट अगर ऐड करना है तो वो केस में हम क्या कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखें कि सिंटैक्स जो है यहाँ पे नेस्टेड और या तो फिर नेस्ट इफ एल स्टेटमेंट ये हम देख सकते हैं. यहाँ पे देखिए इफ एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है तो ये एक्सप्रेशन जो है ये एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू या तो फिर फॉल्स में आता है. ये हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा हुआ है कि किस तरह से इसका इफ स्टेटमेंट का वर्किंग रहता है. कि सपोज कि जिस तरह से एक आधे स्क्वायर में हम जाते हैं तो स्क्वायर में जाने के बाद में हमें चेक करना है कि किस तरह से जाना है हमें. ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारा कहाँ पे जाने का हमने तय किया है. तो उसके हिसाब से हम स्क्वायर में जैसे जाते हैं तो आइदर लेफ्ट साइड में जाएंगे या तो फिर राइट साइड में जाएंगे. तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक कंडीशन जैसे ही हम चेक करते हैं तो ये तो एक तो फिर ट्रू हमें रिजल्ट मिलता है या तो फिर फॉल्स ये रिजल्ट मिलेगा. सो ट्रू या तो फिर फॉल्स ऐसे हमें रिजल्ट मिलेगा. तो ये इसमें जैसे अभी ये यहाँ पे कंडीशन है सो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो केस में वो क्या करेगा कि यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो केस में हम क्या करेंगे और एक कंडीशन हम चेक करेंगे. सपोज अगर ये ट्रू है तो ये और एक कंडीशन चेक करेगा. एक बार फिर से बता देता हूँ, चैट बॉक्स में आपका नाम रोल नंबर देने की जरूरत नहीं है बिकॉज अटेंडेंस के लिए हम ऑलरेडी एक गूगल फॉर्म मैं एकदम लास्ट में शेयर करता हूँ तो वहाँ पे ही आपका प्रेजेंट ही आपको मार्क करनी है. तो यहाँ पे चैट बॉक्स में आपका नाम और रोल नंबर अभी देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो देखते हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्सप्रेशन अगर ये ट्रू होता है, एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो हम और एक एक्सप्रेशन उसको चेक करने के लिए बोलते हैं. ठीक है, और एक एक्सप्रेशन हम चेक करने के लिए बोलेंगे. अगर उसमें भी हमें तो पता है जब भी हम एक्सप्रेशन चेक करते हैं तो उसका भी रिजल्ट या तो फिर ट्रू आएगा या तो फिर फॉल्स आएगा. तो अगर ट्रू है तो वो केस में जो यहाँ पे कुछ हम एक्सप्रेशंस देंगे या कुछ स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट करें.
ठीक है, तो यहां पे देखिए कि ये जो इफ स्टेटमेंट है, ये इफ स्टेटमेंट का ये ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, और फिर उसमें हम जो नेक्स्ट ये वाला फर्स्ट इफ स्टेटमेंट, उसमें हम नेक्स्ट सेकंड इफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ऐसे हम कितने भी इफ स्टेटमेंट दे सकते हैं, और इसके वजह से ही इसका नाम दिया है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब इफ स्टेटमेंट में और एक इफ स्टेटमेंट हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले में हमने क्या किया था, देखिए अभी सबसे पहले वाला जो इफ स्टेटमेंट था तो वो सिंपल एक इफ स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे इफ स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन चेक किया, ये ट्रू आता है तो ओके, अदरवाइज वो जो भी कुछ है अलग लाइंस वहां पे जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर क्या हमने देखा है, इफ और एल्स देखा है। सपोज अगर इफ स्टेटमेंट अगर ट्रू, सॉरी यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो अगर ट्रू है तो वो केस में वो कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, चलो ठीक है। फिर फॉल्स के लिए क्या है, तो फॉल्स के लिए यहाँ पे हम एल्स लिखते हैं, और यहाँ पे फॉल्स के लिए जो भी कुछ एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा, तो ये रहेगा फॉल्स के लिए। सो ये हो गया इफ और ये हो गया इफ एल्स। अब थर्ड जो पार्ट हमने देखा था, कल जो हमने देखा था वो था इफ एल्स इफ एल्स। तो इसमें हमने क्या देखा है कि अगर एक कंडीशन हम चेक करते हैं, सबसे पहली कंडीशन अगर हम चेक करते हैं तो अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो वो केस में वो जो भी कुछ स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा। और एल्स इफ में मतलब ये क्या हो गया, ये फॉल्स वाला चीज हो गया। फॉल्स में अगर ये ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स में, और एक यहाँ पे सेकंड कंडीशन मतलब जस्ट लाइक नेस्टेड इफ का ही पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जैसे ये एल्स इफ में हम इसका यूज करते हैं, यहाँ पे एल्स इफ का हम यूज कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये ट्रू है तो चलो ये ठीक हो गया, लेकिन अब फॉल्स है, ठीक है, अगर फॉल्स है तो वो केस में फिर एक कंडीशन वो चेक करता है, फिर से एक कंडीशन चेक करेगा, और उसमें अगर ट्रू आता है तो वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर से अगर फॉल्स के लिए अगर हमें चेक करना है, फिर से फॉल्स के लिए चेक करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे और एक कंडीशन हम लिखते हैं, और अगर वो ट्रू होता है तो ओके, और अदरवाइज अब इसमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं है या तो फिर हम बोलेंगे फॉल्स है तो वो केस में हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे एल्स, एल्स इफ नहीं। ठीक है, मे बी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है शुरुआत में, आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, एक दो बार देखना पड़ेगा क्या उसमें डिफरेंस है, देखना पड़ेगा। पहला तो इफ है एकदम से सिंपल कि अगर ट्रू है तो चलो ठीक है बाजू हो जाओ, लेकिन दूसरे में हम क्या करते हैं, ट्रू है तो कौन सा भाई और फॉल्स है तो कौन सा, मतलब इस तरह से हम दो कंडीशन चेक करते हैं ट्रू और फॉल्स में, और उसका फिर बड़ा भाई जो है अब ये एल्स इफ एल्स इफ एल्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक लगभग तीन कंडीशन, लगभग हम यहाँ पे तीन कंडीशन हमने देखा हुआ है कि एक्सप्रेशन हमने अगर ट्रू है तो वो केस में, और एक फॉल्स के बाद में हम और एक कंडीशन चेक कर सकते हैं, अगर ट्रू है तो चलो ठीक है, अदरवाइज फॉल्स के बाद में और एक कंडीशन चेक करते हैं, और लास्ट में अगर कोई भी उसमें से कंडीशन नहीं चेक हो रही है या ट्रू नहीं है तो वो केस में हम यहाँ पे अलग स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन अब ये जो नेस्टेड इफ हमने जो बोला है, नेस्टेड इफ में मतलब जो हमने एकदम शुरू वाला पार्ट देखा था कि जिसमें अगर ट्रू है तो फिर क्या है, ट्रू है तो उसमें फॉल्स वाला जो पार्ट है, फॉल्स वाला पार्ट हमने देखा ही नहीं था एकदम शुरू में, जो सबसे पहले वाला इफ स्टेटमेंट देखा था। तो उसी तरह से ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है, मतलब आइदर आप क्या आपको चेक करना है तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ट्रू है तो ओके चलो हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन अगर ये ट्रू है तो वहां पे जो भी कुछ स्टेटमेंट्स है
वो एग्जीक्यूट करेगा और उसमें और हम उसमें और एक कंडीशन हम डालते हैं इफ की, मतलब अगर उसके बाद में मतलब सेकंड कंडीशन अगर ये ट्रू होती है तो फिर जो भी कुछ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद में ये एंड हो जाएगा। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखने के बाद में थोड़ा सा कंफ्यूजन जो आ गया है तो वो दूर हो जाएगा। जैसे कि अभी सबसे पहले तो आपको पता है कि हैश इंक्लूड स्ट्री और डॉट एच, उसके बाद में आई एन टी एम एन, और ये हमने ओपनिंग ब्रैकेट दे दिया और ये क्लोजिंग ब्रैकेट दे दिया, और उसके शुरू में हमने रिटर्न जीरो दे दिया, मतलब ये वन टू, और उसके बाद में ये फर्स्ट लाइन, ओके ये सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में ब्रैकेट है, फोर्थ लाइन में रिटर्न जीरो, पांच लाइन, ये तो कंफर्म हमेशा ध्यान में रखना है कि ये तो हमेशा हर प्रोग्राम में आपको दिखाई देगी, हर प्रोग्राम में आपको दिखाई देगी। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या चेक कर रहे हैं, हम नेस्टेड इफ चेक कर रहे हैं। तो नेस्टेड इफ में हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जो भी कुछ है, अगर हमें कुछ भी इक्वेशन लिखना है तो या फिर कंडीशन चेक करनी, तो याद रखना आपको हमेशा आपको कोई ना कोई वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। ओके, वेरिएबल को हम कभी भी सबसे पहले में ही असाइन, या जो भी कुछ वेरिएबल को हमें डिफाइन करना है, मोस्टली हम जैसे अभी यहाँ पे इंटीजर वाला है तो आई एन टी इसके वजह से हम लिखते हैं, आई एन टी मतलब वो इंटीजर है, ए इज इक्वल्स टू 100, मतलब 100 हमने असाइन कर दिया ए को, और बी इक्वल्स टू 200 ये असाइन कर दिया, उसको सेमी कॉलन दे दिया, इसको भी सेमी कॉलन दे दिया। ये हो गया अभी हम लोगों का एक कंडीशन के लिए, कंडीशन चेक करने से पहले हमने असाइनमेंट पार्ट देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा, हमें अभी कंडीशन चेक करनी है। ओके, कंडीशन चेक करना है तो चलो ठीक है, हम सबसे पहले क्या देंगे, इफ स्टेटमेंट देंगे, इफ ए इक्वल्स टू के लिए हम देखा हुआ इसके पहले ही, अगर आप भूल गए होंगे तो शुरू वाले कुछ लेक्चर देख लीजिए। इफ इक्वल्स टू के लिए हम दो बार इक्वल टू का साइन देते हैं। ओके, एक बार में उसको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए हम दो बार देते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू 100, हमने ऐसा चेक करना है हमें, ये ए इज इक्वल्स टू 100 है क्या, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, आइदर ट्रू आएगा या तो फिर फॉल्स आएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम जो कंडीशन चेक कर रहे हैं तो उसके लिए ट्रू अगर आता है तो वो क्या करेगा, वो और एक कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा। इफ कंडीशन इज ट्रू देन, अगर एक कंडीशन उसमें है कि अगर a इज इक्वल्स टू 100 है तो दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन में भी वो बोलता है सेकंड कंडीशन b भी 200 है क्या, b इज इक्वल्स टू, मतलब हमने एक यहाँ पे 100 असाइन कर दिया a को, a जो है एक वेरिएबल है, b क्या है, ये दूसरा वेरिएबल है। ओके, क्योंकि हमने देखा है कि इफ स्टेटमेंट हमें यूज करना है, तो चलो यहाँ पे हम एक कंडीशन हमने चेक कर लिया, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि a इज इक्वल्स टू 100 है क्या, चलो अगर ये ट्रू होता है तो ही फिर वो नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, b इज इक्वल्स टू 200 है क्या, ठीक है, b इक्वल्स टू भी 100 है, सॉरी 200 है, अगर ये ट्रू होता है तो वो क्या प्रिंट करना चाहिए, वो वैल्यू प्रिंट करना चाहिए कि वैल्यू ऑफ ए इज 100 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 200। हो गया एकदम सिंपल सा, क्या किया हमने, ए इज इक्वल्स टू 100 हमने पहले लिख लिया है, बी इज इक्वल्स टू 200 पहले लिख लिया है, सिर्फ चेक करना है। तो आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये चेक करने के लिए हमें तो पता है ये ऑलरेडी ए इज इक्वल्स टू 100 है और बी इक्वल्स टू 200 है, फिर चेक करने का क्या मतलब है, पर ये आपको पता है, ठीक है a इज इक्वल्स टू 100 है, लेकिन आपको ये कंडीशन चेक करनी है। तो अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं नेक्स्ट, अगर आप थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना है या थोड़ा सा और आपको चेक करना है, तो आप चलो नेक्स्ट प्रोग्राम में आप क्या करेंगे, a इज लेस देन 200 या लेस देन उसको 250 बोल सकते हैं, या जो भी कुछ, सपोज कि कोई कंडीशन आप देख रहे हैं कि a
इज लेस देन 150, इज लेस देन 150 अगर है तो कंडीशन चेक करेगा। फिर नेक्स्ट में बी हम बोल सकते हैं कि बी इज ग्रेटर देन 150 है क्या, राइट right? तो ये हमें ही तय करना है कि किस तरह से हमें चेक करना है कि ये इफ स्टेटमेंट या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ये पर्टिकुलरली हम क्या कर रहे हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ये कैसे वर्क करता है ये हमें देखना है। हमें ये चेक नहीं करना अभी फिलहाल में कि ए की वैल्यू 100 है कि बी की वैल्यू 200 है, ये तो हमें पता है क्योंकि ये सिंपल प्रोग्राम है, एकदम सिंपल प्रोग्राम। तो ये सिर्फ समझने के लिए है। कोई बोल सकता है कि थोड़ा सा जिसका प्रॉपर उसको अच्छी तरीके से समझ में आता है तो वो प्रोग्राम में बोल सकता है कि सर ये क्या है, एकदम वो तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम हो गया है, ए इक्वल्स 200 और बी इक्वल्स 200, राइट। तो ये हम एकदम से शुरू से देख रहे हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि नेस्टेड इफ का फंक्शनिंग कैसे होता है, तो उसके वजह से हम ये छोटे छोटे और सिंपल सिंपल प्रोग्राम देख रहे हैं। किसको ये भी थोड़ा सा समझने के लिए प्रॉब्लम होता है या इसमें कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है a इक्वल्स टू 100 है तो वो क्या कर रहा है कि नेक्स्ट कंडीशन वो चेक करेगा कि सेकंड कंडीशन में b इक्वल्स टू 200 है क्या, तो दोनों भी कंडीशन ट्रू हो गया है तो वो केस में वो क्या कर रहा कि प्रिंट एफ। अब ये आपको तो पता है कि ये जो बैक स्लैश स्टार और स्टार बैक स्लैश ये क्या है, ये हम कमेंट लाइन दे रहे हैं, मतलब ये जो शुरू में हम कुछ इक्वेशन या कुछ कंडीशन या कुछ स्टेटमेंट्स हम दे रहे हैं तो उसके पहले में हम सिर्फ समझने के लिए या किसी को प्रोग्राम अगर दिखाना है तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे कमेंट लाइन दे रहे हैं। अगर आपको कुछ प्रोग्राम में या अगर ऐसा लग रहा है कि हमें पता है, चलो ठीक है, ये आप ओमिट कर सकते हैं, कमेंट लाइन आप अगर नहीं लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑप्शनल है, कमेंट लाइन इज ऑप्शनल। पर हाँ, ये इफ स्टेटमेंट अगर आप लिख रहे हैं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो आपको चेक करना है कि आप प्रॉपर उसके ब्रैकेट्स दे रहे हैं कि नहीं। ये ऊपर वाला या बाहर वाला इफ स्टेटमेंट का ब्रैकेट और ये अंदर में ये सेकंड ब्रैकेट, ये ध्यान रखिए हमने यहाँ पे कुछ स्पेस देके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा ये ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट इस इफ स्टेटमेंट का है और ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट ये इफ स्टेटमेंट का है, ये एकदम आसानी से हमें समझ में आ जाता है। अब अगर आप ट्राई करके देखते हैं कि ये यहाँ से ही चालू करते हैं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा ओपनिंग ब्रैकेट है और कौन सा क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो ये जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक नहीं समझ में आएगा आपको। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप ध्यान रखना कि ये जो नेस्टेड इफ मतलब इफ स्टेटमेंट में हमने जो दूसरा इफ स्टेटमेंट दिया है उसको हमेशा सेकंड इफ स्टेटमेंट थोड़ा सा स्पेस देके चालू करना है। तो ये इफ स्टेटमेंट हो गया, ये टोटल नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हो गया, यहाँ पे एक्चुअली हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। लेकिन हमने जस्ट अभी कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हमने ये दो प्रिंट एफ स्टेटमेंट दिया है। पहला प्रिंट एफ स्टेटमेंट बोलता है, डबल कोटेशन में हमने लिखा हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, और उसके बाद में ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है 100, तो वो 100 हमें प्रिंट करके देगा। उसी तरह से एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बी इज, ये इंटीजर के लिए, ये नेक्स्ट लाइन के लिए, ये भी नेक्स्ट लाइन के लिए, ये जो सिंबल हमने यूज किया है ये इंटीजर के लिए, ये हमने इंटीजर लिखा हुआ है, तो बैकस्लैश एन ये नेक्स्ट लाइन के लिए, और यहाँ पे हमने बी का वैल्यू, जो भी कुछ यहाँ पे बी की वैल्यू है वो यहाँ पे हमें वो आउटपुट करके चाहिए। तो इसमें कितने आउटपुट होने चाहिए देख लीजिए कि यहाँ पे ये फर्स्ट आउटपुट रहेगा, मतलब पहली लाइन, ये सेकंड और ये थर्ड, इस तरह से हमें ये तीन अलग अलग यहाँ पे देखिए कि ये इसका अगर हम कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए।
तो पहली लाइन की वैल्यू ऑफ ए इज 100 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 200, या तो फिर वैल्यू ऑफ ए इज 100 एंड बी इज 200, और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज 100 एंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बी इज 200। तो ये इस तरह से इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होने के बाद में हमें रिजल्ट आता है। तो ये हो गया नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इसमें ये बाहर वाला इफ स्टेटमेंट में अब अंदर वाला ये एक इफ स्टेटमेंट डाला हुआ है। उसी तरह से आप अलग भी और कुछ जो इफ स्टेटमेंट है या और कुछ कंडीशन आपको चेक करना है तो वो कंडीशन हम उसमें चेक कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट से। तो ये अभी इतने मतलब लगभग पहला इफ स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट इफ स्टेटमेंट, देन ये इफ एल्स, ये हमारा सेकंड था, और ये थर्ड इफ एल्स, ये थर्ड हो गया, और ये नेक्स्ट, ये फोर्थ। ऐसे हमने चार अलग अलग इफ स्टेटमेंट देखे हुए। कितने स्टेटमेंट देखे हमने? चार स्टेटमेंट हमने इफ के ही हमने चार स्टेटमेंट देखे। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। सो स्विच स्टेटमेंट ये क्या करता है कि एक वेरिएबल को हमें जब टेस्ट करना है, टेस्ट हम अगर हम इक्वालिटी के लिए टेस्ट करते हैं, जो भी कुछ हमें वैल्यूज दी गई है या फिर कुछ लिस्ट दी है वैल्यूज की और उसमें हमें चेक करना है, तो वो केस में तो उसे जो भी कुछ हमने जितनी वैल्यू दी है तो वो हर वैल्यू को हम कहते हैं यहाँ पे केस। तो जो भी कुछ वेरिएबल है तो वेरिएबल वो चेक करेगा हर एक केस के लिए, ठीक है। तो ये जिस तरह से हमने इफ स्टेटमेंट में देखा है कि इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलरली ट्रू और फॉल्स हमें मिलता है। अब यहाँ पे जैसे है कि ये स्विच स्टेटमेंट जिसमें हम चेक करते हैं जो वेरिएबल हम असाइन करेंगे, तो वेरिएबल को हम असाइन करते हैं और कुछ वैल्यूज, जो भी कुछ है वो जो वैल्यूज है वो वैल्यूज और वो वेरिएबल्स हम मैच करते हैं कि क्या है उसमें। तो जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए स्विच, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, ओके। अब ये एक्सप्रेशन के बाद में यहाँ पे जो भी कुछ है फर्स्ट केस, केस मतलब क्या है, ईच वैल्यू इज कॉल्ड अ केस, हर एक वैल्यू हम इसको केस बोलते हैं। तो केस कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो भी कुछ रहेगा और उसके लिए ये स्टेटमेंट, और यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये फर्स्ट। और उसी तरह से अगर कुछ हमें और एक्सप्रेशन चेक करना है तो हम क्या करेंगे, केस कांस्टेंट एक्सप्रेशन, उसके लिए जो कुछ स्टेटमेंट हमें देना है, और यहाँ पे वो ब्रेक। ब्रेक मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे खत्म हो गया, ये सेकेंड पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया, जिस तरह से हमने इफ स्टेटमेंट देखा है उसी तरह से। तो जितने केस हमें देखना है या जितने वैल्यूज हमें चेक करना है तो उस तरह से हम उसे अलग अलग केस स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट हम दे सकते हैं, और लास्ट में स्टेटमेंट देके हम इसे एंड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जो भी कुछ हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट में, तो एक पर्टिकुलरली उसका टाइप हमें देना रहता है कि कौन से एक्सप्रेशन या कौन सा क्लास हमें देना है वहां पे। तो वो हो सकता है फंक्शन, हो सकता है इंटीग्रल, हो सकता है एनुमरेटेड टाइप, हो सकता है जो भी कुछ है, वो हमें देना होता है सबसे पहले। और कितने भी स्टेटमेंट हम केस स्टेटमेंट जो है, कितने भी मतलब एक स्विच स्टेटमेंट में हम कितने भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एक या दो ही देना है, आपको जितना चाहिए उतना हम दे सकते हैं। और वो केस के बाद में जो भी कुछ है कंपैरिजन हम करते हैं, एज अ कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू, जब एग्जांपल देखते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा
अभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कैसे वर्क करेगा, क्या क्या करेगा। तो शुरू में आप सिर्फ समझना है कि एक स्विच स्टेटमेंट रहता है। स्विच स्टेटमेंट मतलब एक पर्टिकुलरली जो भी कुछ वेरिएबल्स है, जो भी कुछ वैल्यूज है, अगर हमें चेक करना है तो वो केस के लिए हम स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे। और हर एक स्विच स्टेटमेंट में कितने भी केस स्टेटमेंट रह सकते हैं, कितने भी एनी नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट। तो कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन जो भी कुछ हम लिखेंगे तो उसका जो डेटा टाइप रहेगा, तो वो डेटा टाइप जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट में, वैसे ही डेटा टाइप, मतलब आप डेटा टाइप हमें आपको पता है कि इंटीजर लेना है कि फ्लोट लेना है। इंटीजर मतलब आपको इंटीजर नंबर लेना है या कैरेक्टर लेना है, या तो फिर आपको डेसिमल लेना है, एक्सपोनेंशियल लेना है, क्या लेना है आपको। उस तरह से आपको कंसिडर करना है कि जो केस स्टेटमेंट रहेगा और कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन रहेगा उसका जो डेटा टाइप रहेगा वो सेम होना चाहिए। सो वेरिएबल जो भी कुछ हम स्विच करने वाले हैं तो वो केस के इक्वल होना चाहिए, और जो भी कुछ स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे तो वो स्टेटमेंट्स वो क्या करेगा, जब तक कि ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देगा तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे हम ब्रेक स्टेटमेंट देते हैं तो वो क्या होता है कि जो भी कुछ स्विच स्टेटमेंट या जो पर्टिकुलरली वो एक्सप्रेशन हमने दिया है या जितना लूप है वो खत्म हो जाएगा और फ्लो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट अगर हम नहीं देते तो वो केस में वो ऑटोमेटिकली जब तक कि वो पर्टिकुलरली एक्सप्रेशन कंटिन्यूसली चलते रहा है तो वो एग्जीक्यूट करते रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि सपोज ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन, तो फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं कि जो भी कुछ है अगर एक्सप्रेशन का क्या एग्जैक्टली इस्तेमाल हमें देखना है तो हम केस वन, केस टू, केस थ्री जितने चाहिए उतने केस हम दे सकते हैं। और यहाँ पे हमें यहाँ पे हम उसको ब्रेक कर देंगे। सपोज की वेरी सिंपल वन की सपोज अगर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ग्रेड इज इक्वल्स टू बी, मतलब ये लोकल वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया है। लोकल वेरिएबल मतलब ये क्या है, सी एच ए आर, मतलब ये कैरेक्टर डेटा टाइप हमने देखा हुआ है। इंटीजर देखा था लास्ट टाइम में, उसके लिए हमने क्या यूज किया था, आई एन टी। अब ये कैरेक्टर अगर है तो कैरेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, सी एच ए आर यूज करेंगे। और ग्रेड, ग्रेड इज इक्वल्स टू, अब क्या है ये सिंगल कोट में हमने लिखा है, जिसका भी ग्रेड बी होगा तो क्या करेगा, स्विच ग्रेड, और यहाँ पे हमने क्या किया है, स्विच ग्रेड, यहाँ पे केस लिखा हुआ है ए, ठीक है। अगर ए आता है, केस ए अगर आता है तो वो क्या करेगा, एक्सेलेंट, वो क्या करेगा, लिखेगा एक्सेलेंट और फिर एंड हो जाएगा। उसी तरह से केस बी है, केस सी है, केस डी है और एफ है, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं केस बी में, सबसे पहले हम लिखेंगे केस सी, अगर ये सी आता है तो वेल डन, अगर डी आता है तो यू पास्ड, और एफ है तो बेटर ट्राई अगेन। और इसके अलावा वो कोई भी ग्रेड को आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो हम बोलेंगे इनवैलिड ग्रेड, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे इनवैलिड ग्रेड। तो यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने लिखा है यहां पे देखिए लोकल वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं, सबसे पहले में ग्रेड, ग्रेड क्या दिया है, बी। अब हमें आइडेंटिफाई करना है ए है तो क्या करना है उसको, बी है तो क्या है, सी है तो क्या है, ओके। अगर हम लिखते हैं सपोज कि सबसे पहले हम लिखते हैं केस ए, ए अगर है तो ओके एक्सेलेंट,
केस बी में ही हमने केस सी भी ऐड किया हुआ है, मतलब केस बी और केस सी ये जो है वो एक्चुअली दोनों के लिए क्या होना चाहिए, वेल डन। अगर डी है तो वो केस के लिए आना चाहिए यू पास, और केस अगर एफ है तो बेटर ट्राई अगेन, और इसके अलावा जो भी कुछ रहेगा हम उसे बोलते हैं इनवैलिड ग्रेड। मतलब इसमें अभी देखिए कि स्विच स्टेटमेंट हमने दिया है, स्विच स्टेटमेंट में ग्रेड है, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में हमने क्या दिया है, ग्रेड दिया है। अब ग्रेड इसमें हमने ऑलरेडी, चलो ये हमें नहीं पता है कि ग्रेड क्या है, लेकिन हमने एक प्रोग्राम बना दिया है कि जिसमें केस ए अगर ए आता है, ये केस स्टेटमेंट में ए अगर आता है तो वो क्या बोलेगा, एक्सेलेंट, बी और सी दोनों के लिए वेल डन बोलेगा, डी के लिए यू पास बोलेगा, एफ के लिए बेटर ट्राई अगेन, और एफ के अलावा जो भी कुछ है ये जी एच जो भी कुछ हम देंगे तो उसके लिए इनवैलिड ग्रेड बोलेगा। मतलब आपको ए बी सी डी एफ ऐसा ही देना है, और लास्ट में योर ग्रेड इज। अब यहाँ पे देखिए ये परसेंट सी यहाँ पे लिखा है, क्यों लिखा है, बिकॉज ये है कैरेक्टर, ठीक है, हम ए बी सी डी ई ये ऐसे कैरेक्टर में हमें देना है, तो उसके वजह से ये हमने परसेंट सी लिखा हुआ है। सो योर ग्रेड इज बी और वेल डन, ऐसे हमारे पास में दो लाइन का ये रिजल्ट आएगा। दो लाइन का रिजल्ट क्यों आ गया, क्या हमें क्या करना था, बेसिकली वेरी सिंपल कि हमें चेक करना है कि बेसिकली ए आता है तो अगर ग्रेड ए है तो क्या होना चाहिए, बी है तो क्या होना चाहिए, सी है तो क्या है, डी है तो क्या है, और एफ है तो इसका क्या मीनिंग है। ओके, तो ये हम स्विच स्टेटमेंट से हम जा रहे हैं। स्विच स्टेटमेंट में सबसे पहले, मतलब ये स्विच स्टेटमेंट ये चालू हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो गया है, और हमने देखा है कि एक स्विच स्टेटमेंट, जैसे कि हम स्विच में लिखा हुआ है ग्रेड, ठीक है, ये ग्रेड ये पर्टिकुलरली हमने देखा है कि कांस्टेंट एक्सप्रेशन या जो भी कुछ हमने वो पर्टिकुलरली उसमें लिखा है, जो पार्ट हमने लिखा है, तो वो चेक करता है, और उसके लिए हम बोल रहे हैं कि ओके फाइन, क्या लिखना है, अगर ए है तो क्या होना चाहिए, प्रिंट एफ मतलब हमने बोला है कि अगर चलो एक केस अगर है तो उसने क्या करना चाहिए, उसने बोलना चाहिए एक्सेलेंट। बी और सी ये दोनों भी हमने एक साथ लिखा हुआ है, बी और सी दोनों भी अगर है तो उसने क्या लिखना चाहिए, वेल डन, तो उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट, ये हो गया ब्रेक। फिर अगर केस डी है तो उसने क्या लिखना चाहिए, यू पास ऐसे लिखना चाहिए, और वहां पे ये ब्रेक होना चाहिए, और केस एफ अगर आता है तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट में हम लिखेंगे बेटर ट्राई अगेन, और यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, और लास्ट में डिफॉल्ट हमने क्यों लिखा, यहाँ पे देखिए कि डिफॉल्ट मतलब ये ऑप्शनल है, आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते इसमें, तो उसके वजह से हमने बस यहाँ पे लिखा है कि अगर इसके अलावा अगर कोई भी ग्रेड है तो वो हम लिखेंगे इनवैलिड ग्रेड, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट जो दिया है, क्लोजिंग ब्रैकेट किसका है ये, तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट है हमारा स्विच स्टेटमेंट का, ये ओपनिंग ब्रैकेट और यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट, मतलब यहाँ पे हमारा स्विच स्टेटमेंट खत्म हो गया, और हमने लास्ट में देखा है कि लास्ट में हम एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि योर ग्रेड इज, आपका ग्रेड क्या है, तो यहाँ पे हमने लिखा है परसेंट सी, बिकॉज ये क्या है, कैरेक्टर है, ABCDEF ये क्या है, कैरेक्टर है, और लास्ट में हम लिखते हैं ग्रेड, ठीक है, हमने तो ग्रेड ऑलरेडी दिया हुआ है, ग्रेड क्या है, बी, ये सिंगल कोट में दिया है, हमने ध्यान में रखना है, ये ग्रेड जो भी कुछ है, केस ए ये क्या है, फर्स्ट वन, केस बी, ये सब सिंगल कोट में दिया है,
मतलब जब भी हम कैरेक्टर लिखेंगे तो वो कैरेक्टर सिंगल कोट में आना चाहिए. ओके सो मे बी एकदम से फर्स्ट इसमें आपको स्विच स्टेटमेंट बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि इतने सारे जो वैल्यूज है वो वैल्यूज में से हमने जो दिया है वो वैल्यूज का मीनिंग क्या है. ठीक है, ए बी सी डी एफ में से अगर किसी को बी ग्रेड मिला है तो बी ग्रेड का मीनिंग क्या है, तो उसके लिए हमने ये सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है. तो अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो बेसिकली आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. मीनवाइल मैं अटेंडेंस की जो गूगल फॉर्म की लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. ओके चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म अटेंडेंस शीट का मैंने उसकी लिंक भेजी है, आप अटेंडेंस मार्क कर लीजिए अपने हिसाब से. इसको कुछ भी डाउट है या जो भी कुछ डाउट है वो अटेंडेंस वो आपके चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं या बता सकते हैं, पूछ सकते हैं. बट यस अटेंडेंस आप सबसे पहले मार्क कर लीजिए. ओके लास्ट फ्यू सेकेंड्स, अगर किसका रह गया तो जल्दी से मार्क कर लीजिए. हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट मीटिंग में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.